हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे मेकअप मेरे बर्थडे के लिए। आज मेरा बर्थडे है तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के प्राइमर से, हाइलाइटिंग प्राइमर से, जिसे मैं अपने हाथ से ही फेस पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। काफ़ी अच्छी शाइन आ जाती है इस प्राइमर से। तो सबसे पहले मैंने लगाया है प्राइमर। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर, जिसकी शेड है C8। और इसे बिना मैं अपने डार्क सर्कल्स और कुछ हाइड डार्क स्पॉट हाइड वगैरह कर लूँगी। मैं कोई फाउंडेशन नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं कंसीलर को ही थोड़ा बहुत सारे फेस पे यूज़ करूँगी और इसको भी एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अच्छे से अपने फेस पर ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का ये कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि मेरे को ना काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे को ऑलमोस्ट साल होने वाला है इसे यूज़ करते, और इसको मैं ब्रश की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। फॉर द नेक्स्ट स्टेप आई एम यूजिंग 3-in-1 पैलेट, फेस पैलेट फ्रॉम फेसेस कैनेडा। इसमें ना आपको ब्रॉन्जर, हाइलाइटर और ब्लश तीनों चीज़ मिल जाती है, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसकी मदद से मैं ब्रॉन्जर, हाइलाइटर और ब्लश तीनों चीज़ें ही अप्लाई कर लूँगी। इसमें जो ब्लश है ना वो मैट है, तो काफ़ी अच्छा लगता है स्किन पे। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी आईलाइनर। यहाँ पर मैं एल्फ का आईलाइनर पेन यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड कॉफ़ी। और इसकी शेड ना कॉफ़ी कलर में है, जैसे कि मैंने बताया, और इतना भी पता नहीं लगता है पर अच्छा लगता है आईज़ पे लगा हुआ। और इसकी ना टिप काफ़ी अच्छी है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसकी वजह से ना आप अच्छे से ईजिली विंग क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये वाला आईलाइनर पेन यूज़ कर रही हूँ आज। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी मस्कारा, मेबलिन का द क्लोसल मस्कारा। और ये ना काफ़ी अच्छी लेंथ प्रोवाइड कर देता है आपकी आई लैशेज़ को, तो इसलिए मैं आज इसे यूज़ कर रही हूँ। फाइनली मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस की लिपस्टिक। ये ना मैं फ़र्स्ट टाइम कहीं बाहर इसको वेयर करके जा रही हूँ, और इसकी शेड है I-Win 666। और इसे मैं अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी, जो कि ना काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी रेडिश कलर में है और इस ड्रेस के साथ अच्छे से जा रही है। तो मैं अपने लिप्स पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो ये है मेरी फाइनल मेकअप लुक। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और कमेंट्स में मेरे को बर्थडे विश करना मत भूलना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।